हे गाइस, दिस इज योर द मूवी बॉय के फॉर कर्तव्य। वेलकम टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बॉलीवुड में रिलीज हुई बेवफा टाइटल की चार फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। और मेरे ख्याल से बेवफा टाइटल वाली और भी फिल्में हैं, अगर आपको उनकी जानकारी है तो उनका नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस वीडियो के पार्ट टू में उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी जानकारी में सेम टाइटल्स वाली और कौन सी फिल्में हैं जिन पे हम ऐसे वीडियोस बना सकते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1952 में आई बेवफा से। बेवफा 1952 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को M.L. आनंद जी ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में A.R. कुरैशी जी का म्यूजिक था और फिल्म के गाने शम्स अजीमाबादी, शार्दुल कवात्रा और अली सरासर ने लिखे थे और फिल्म में तुमको फुर्सत हो मेरी जान और बदनसीबी का गिला जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स थे। अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में राज कपूर जी, अशोक कुमार जी, नरगिस जी और नीलम जी नजर आए थे। अगर हम बात करें फिल्म के बजट की तो तकरीबन 18,50,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 35,00,000 का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सनम बेवफा की। सनम बेवफा 11 जनवरी 1991 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सावन कुमार ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में महेश किशोर का म्यूजिक था और फिल्म के गाने सावन कुमार जी ने ही लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक बेहद पॉपुलर हुआ, जिनमें चूड़ी मजाना देगी, ओ हरे दुपट्टे वाली और सनम बेवफा जैसे बेहतरीन सॉन्ग्स शामिल हैं। अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सलमान खान, चांदनी, कंचन, प्राण साहब और डैनी डेंगजोपा जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। अगर हम बात करें फिल्म के बजट की तो तकरीबन 1,45,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 5,75,00,000 का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों बेवफा सनम की। बेवफा सनम 12 मई 1995 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को गुलशन कुमार ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में निखिल विनय और मिलिंद सागर का म्यूजिक था और फिल्म के गाने सफ़ीर, सिद्दीकी और इसरत ने लिखे थे और फिल्म का सभी गाने बेहद पॉपुलर हुए, जिनमें वफा ना रास आई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा और इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं जैसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स शामिल थे और ये गाने दिल जले आशिकों के सीधे दिल पर उतर गए थे। अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में किशन कुमार, शिल्पा शिरोडकर, सागर, अरुणा ईरानी और असरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 1,25,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 4,96,00,000 का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अब हम अगली फिल्म की बात करते हैं दोस्तों, वो है बेवफा, जो 25 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूजिक था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक बेहद पॉपुलर हुआ और इस फिल्म में इश्क छुपता नहीं छुपाने से, एक दिलरुबा है, तेरी याद याद, प्यार का अंजाम और कैसे पिया से मैं कहूं जैसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स शामिल थे। अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अनिल कपूर, अक्षय कुमार, करीना कपूर, सुष्मिता सेन, मनोज वाजपेयी और समिता शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 16,95,00,000 का नेट कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। इन बेवफा टाइटल वाली चारों फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है दोस्तों, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सभी के लिए लाते ही रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।